झारखंड राज्य प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा की बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि निजी विद्यालय के बच्चों का टीकाकरण को शत प्रतिशत सफल बनाने में सरकार को पूरा सहयोग किया जाएगा। पासवा का एक प्रतिनिधि मंडल सहयोगी डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, सहयोगी आदरणीय निशा भगत जी, डॉक्टर रक्षिता कुमारी जी एवं अभिषेक कुमार के साथ माननीय मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी से मुलाकात किया। मुख्य सचिव जी को पासवा की ओर से हमने भरोसा दिलाया है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण हम एक महीने में पूर्ण करा देंगे। पासवा को यह अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो हम इसमें सफल होंगे, क्योंकि 47,000 स्कूलों के साथ 5,00,000 शिक्षक और कर्मचारी अपने मूलभूत संसाधनों के साथ सरकार के पास खड़ी रहेगी। लेकिन शर्त यही है कि 18 कक्षा 8 से 12 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएं। हमने यह भी कहा कि 2 साल से निजी विद्यालयों की आर्थिक स्थिति तंगी के दौर से गुजर रही, जिसका नतीजा है कि कई शिक्षकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, कई स्कूल बंदी के कगार पर खड़े। हमने यह भी माननीय मुख्य सचिव जी से अनुरोध किया है कि आपके पास में यूडाइस के माध्यम से सभी शिक्षकों के रिकॉर्ड मौजूद हैं, आप उनकी सहायता सीधे उनके खाते में दे सकते हैं। मुख्य सचिव जी ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना है और उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि निजी विद्यालयों के स्कूलों में फीस नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा इस संदर्भ में वो अपने अधिकारियों के साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से स्कूल खोल करके बच्चों का टीकाकरण किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह मसला चूँकि काफ़ी गंभीर और नाजुक है, क्योंकि अचानक से स्कूल खोलना भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार इस पर कुछ न कुछ गंभीरतापूर्वक विचार कर सकती है, लेकिन पासवा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।